Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing well. So if you are new here, please consider subscribing to my channel so that you will never miss any interesting upcoming videos. तो रेसिपी के लिए पहले मैंने यहाँ पे चावल को पानी में भिगो के 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ दिया था। तो ये होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। याद रहे हमें ज्यादा पानी यहाँ पे नहीं यूज करना है, क्योंकि अगर हम वैसा करते हैं तो पेस्ट हमारा स्मूथ नहीं बनता है। पहले मैंने दूध को थोड़ी देर के लिए उबाल लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड की हूँ इलायची। तो इलायची ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे चीनी। तो चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो लोग शुगर फ्री लेना चाहते हैं इसको, वो शुगर स्किप कर सकते हैं, वैसे भी ये टेस्टी ही लगता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं ताकि मिल्क के साथ शुगर और इलायची बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और इसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अभी ग्रेटेड कोकोनट और उसके साथ स्लाइस्ड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कर लिया था और उसको अभी मैं डाल रही हूँ। तो आप इसका अमाउंट ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, लेकिन कोकोनट मिल्क के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी कुछ देर छोड़ने के बाद मिल्क में ऐसे बॉयल आ गया है। तो इसके बाद हम धीरे धीरे करके जो बैटर बनाए थे चावल और थोड़े से पानी का, उसको ऐड करते जाएंगे। एक साथ मत ऐड कीजिएगा, और याद रहे जब भी अब ऐड करें तो उसके साथ ही आप ऐसे ही इसको चलाते रहें ताकि यहाँ पे लम्प्स ना बने। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, ये अभी पैन से सेपरेट होने लगा है, तो इसी कंसिस्टेंसी ही हमें चाहिए। तो अभी हम इसको नीचे उतार लेंगे, और अभी थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पे मैं ऐड की हूँ, 1/2 टीस्पून का सॉल्ट अराउंड हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट वरना पता ही नहीं चलता है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून का घी ऐड कर रही हूँ। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अभी ये रेडी है, इसका कंसिस्टेंसी जैसे कि बहुत स्मूथ है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, पैन को थोड़ा हीट अप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अराउंड घी ऐड किया है। तो अभी मैं घी को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, उसके बाद ही हम ऐड करेंगे अपना जो प्रिपेयर्ड बैटर है। और याद रहे घी को अच्छे से पूरा ग्रीस करिएगा, वरना बाद में ये स्टिक कर जाता है पैन में। तो हमें वो कुक डो को ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो ठंडा होके हार्ड हो जाता है। तो अभी पैन गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं सारा ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से हम केले का पत्ता यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा बैटर प्लेस होता है। तो आपके घर के आसपास अगर केले का पत्ता अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पैन पे इसको कुक किया हुआ है। तो केले का पत्ता भी ऑप्शनल है, आपके पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर भी आप उसे ऐसे ही बना सकते हो।
तो अभी हाथ में मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम इसको ऐसे प्लेन स्ट्रक्चर में डाल लेंगे। तो हाथ में याद रखिएगा, जब भी ये थोड़ा गर्म होने स्टार्ट हो जाए, हाथ का यूज़ हम वहीं पे बंद करेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक स्पैचुला, जिसकी मदद से हम इसको पूरा प्लेन कर देंगे। अभी हम इसको ढक लेंगे और आधे घंटे के आसपास इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो ये साइड हो जाने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड को भी लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के अराउंड कुक करेंगे। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। तो अभी ये बन के रेडी है। ये बहुत ही फ्लफी और टेस्टी बना है। तो ट्रेडिशनल तरीके से ये स्लो कुक और ओवर कुक होता है। आप अगर चाहो तो कम टाइम के लिए भी इसको कुक कर सकते हो। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।